Hello everyone, welcome to our YouTube channel आरिश Power Tools पर आप सभी को फिर एक बार ढेर सारी बधाई हो। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को फिर एक बार बोलूंगा, जो भी मेरा चैनल में नया है, मेरा चैनल को प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है, इस मशीन का ऊपर टारगेट है 5000 के लाइक का। तो आप सभी को और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि 5000 के इसको चाहिए लाइक, हो जाएगा ना दोस्तों। चलते हैं मशीन का डेमो की तरफ। ये मशीन जो है ट्रेन जूम मशीन है। ये मशीन से आप ऑल टाइप सैनिटाइज कर पाइएगा घर का। इनफैक्ट इससे आप पेंट का भी पूरा काम उठा पाइएगा। किस तरह से ये मशीन वर्क करता है, मैं उसका पूरा डिटेल्स, मशीन का वार्ड क्या है, किस तरह से मशीन को यूज करने पड़ता है, सारा चीज आज आपको एक एक चीज खोल के बताऊंगा। मशीन का कैसे यूज करना है, किस तरह से इसका एक एक पार्ट को दोबारा इसको वॉश करके फिर यूज करना है, सब चीज बताऊंगा। तो चलते हैं मशीन का सील ओपन करने के लिए। ये पेंट जूम मशीन है। इसमें आप अभी का जो सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन में सभी लोग ले जा रहे हैं अपना घर में सैनिटाइज करने के लिए, ऑफिस में सैनिटाइज करने के लिए, अपना कार को सैनिटाइज करने के लिए। यह मशीन का होस पाइप है, इसी से एयर कन्वर्ट होता है। यह मशीन है, ये मशीन का मोटर सेक्शन है, ये मशीन का स्प्रे सेक्शन है। जस्ट लाइक कंप्रेसर में जो स्प्रे गन अलग होता है और प्रेशर उठाने के लिए कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर काम करता है। इससे यार मशीन से इम्पोर्टेंट पूरा चीज़ आपको दिखाते हैं। मशीन के अंदर इस तरह एक मैनुअल बुक रहेगा। जो नया यूज़र है उसको मैं बोलूँगा कि मैनुअल बुक बढ़िया से एक बार टैली कर लीजिएगा, तो आपको यूज़ करने में ईजी रहेगा। मैं पूरा चीज़ आज खोल के बताऊँगा। इसके अंदर एक की रहता है, ये नोजल क्लीन करने वाला की होता है। ये है, ये क्लीन से आपका नोजल क्लीन होगा। पार्ट टू पार्ट इसका खोल के मैं आपको आज दिखाऊंगा किस तरह मशीन को यूज करने के बाद इसको सर्विस किया जाता है। ये बढ़िया से देखिए, ये पाइप का दोनों पॉइंट है, एक नॉर्मल सा है और एक में ग्रिप बना हुआ है। ये ग्रिप वाला पॉइंट जो है ये मशीन का अंदर जाएगा। इस तरह से मशीन का अंदर पुश करके घुमा के लॉक कर देना है, इस तरह लॉक हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो है ये वाला, ये पॉइंट आपका गन का पीछे में सेम होल है, यही फिक्स हो जाएगा। इस तरह इसको लगाना है। और इसको हैंगिंग करने के लिए हर एक मशीन का अंदर एक बेल्ट रहता है, इस तरह का। मैं बेल्ट को भी लगा के आपको दिखा रहा हूँ हैंगिंग करके। ये बेल्ट का लॉकिंग पोजिशन है, इसको पुश करके इस तरह से आप लगाइएगा। एक इधर लगेगा और दूसरा वाला इधर लगेगा। इस तरह से मशीन को आप हैंगिंग कर लीजिएगा। ये आपका मशीन का गार्ड पॉइंट है। लेफ्ट में लीजिएगा तो बढ़िया काम करने में इजी रहेगा। लेफ्ट में ले लिया हूं मैं। ये मशीन का वायर कनेक्टिंग करेंगे हम थोड़ी देर में, पूरा और चीज आपको समझा दे रहे। ये मशीन का ऑयल टैंक है, पेंट टैंक, या आप जो लिक्विड यूज करेगा सैनिटाइजर का, वो लिक्विड इसमें मेजरमेंट दिया हुआ, जितना आपको यूज करना है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। 800 ml तक इसमें आप एक बार कर पाइएगा। ये जो छोटा सा एक जार दिखाई दे रहा है, इस जार का भी काम है। जब हम पेंट यूज करेंगे, इसका अंदर से जो भी पेंट को मैं मिक्स करूंगा, उस पेंट का आपका थिकनेस इसके अंदर से इजीली जाना चाहिए, वही मशीन वर्क कर पाएगा। उससे मोटा होगा थिकनेस तो वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये चीज़ दिया गया है। वो चीज़ ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। मैं अभी आपको मशीन का सैनिटाइजिंग वाटर देकर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से ये मशीन वर्क करता है। ये नॉर्मल सा वाटर है, मैं वाटर डाल के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मशीन वर्क करता है। तेरे दिल में मेरी सांसों को बना मिल गए,
जब भी आप सैनिटाइज यूज करिएगा थोड़ा सा अपना सेफ्टी लगा के करिएगा। इस तरह थ्रेड है, थ्रेड में आपको लगा लेना है। कंप्लीट टाइट कर देना है, इसको लूज नहीं छोड़ना। इस तरह पूरा टाइट कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं मशीन का पावर कनेक्ट करूंगा प्लग से, मशीन का प्लग को, और आपको मैं वार करके दिखाऊंगा मशीन। मशीन का यहाँ देखिए एक स्विच, लाल बटन का स्विच दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये जो बटन है थोड़ा बढ़िया से देखिए, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये चालू हो जाएगा। अभी मशीन चालू हो गया है, अब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से इस तरह से काम करेगा। इस तरह आपको फ्लो कम बेसी करना है तो यहाँ से आप कर पाइएगा, आपको जैसा पेन करना है यहाँ से आपको फ्लो कम बेसी होगा। इस तरह पूरा बेहतरीन आपका पेंट का काम हो जाएगा, बेहतरीन आपका इसमें सैनिटाइजर का काम हो जाएगा। आप अपना घर में भी सैनिटाइज कर सकते हैं, घर में, रूम में, ऑफिस में, ऑल जगह कर सकते हैं। और ये पेंट आप वुड में भी कर सकते हैं, वॉल में भी कर सकते हैं, ऑल टाइप का आप इसमें कर पाइएगा। देखिए जब हम सैनिटाइज यूज करेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना है, वॉश नहीं करना है, लेकिन इसी मशीन से जब हम पेंट करेंगे, पंखा का आजकल बहुत पेंटिंग चल रहा, छोटा छोटा इलेक्ट्रिशियन लोग ये मशीन ले जाके अपना पंखा को रंग कर रहा, मोटर को रंग कर रहा, छोटा काम के लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन है। तो जब हम पेंट यूज करेंगे इसका अंदर, तो हमको क्या करना है, इसी बॉल का अंदर में आप तारपीन आधा लीटर रख लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, ये खोल के आपका जो रंग है, रंग को खोल के डाल दीजिए तारपीन। तारपीन डालने का बाद उसी तारपीन को आप चलाइएगा तो नोजल से जो भी आपका पेंट रहेगा वो निकल जाएगा। फिर आप दूसरा पॉट में उसको पकड़ भी ले सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए, ऊपर में जो भी आपका रंग रहेगा उसको उठा के फेंक दीजिए, फिर आप तारपीन को दोबारा रियूज कर सकते हैं। और मशीन का कभी कभी यहाँ जाम हो जाता है, तो यहाँ ये थ्रेड है, ये थ्रेड को खोलना है आपको, इस तरह खुलने से आपका ये दो पार्ट इजीली खुल जाएगा। इसको अलग अलग करके तारपीन में वॉश कर लीजिए या किरोसिन में वॉश कर लीजिए। ये भी पार्ट को आपको खोल देना है, ये भी पार्ट खोल दीजिए। ये नोजल, ये भी पिन जो ये जाम होने से आपका यह दिया गया, इसको साफ कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से साफ कर लीजिएगा, और अंदर में भी बढ़िया से पेंट नहीं रुकना चाहिए, पूरा बढ़िया से इसको साफ कर लेना है। ये चीज का ध्यान दीजिएगा, बाकी मशीन में और कुछ मेंटेनेंस करने का कोई भी चीज नहीं है। आप इजी टू यूज इसको ऑपरेट करिए, एकदम इजी मशीन है, जैसे खोलिएगा ऐसे लगाना है। दोबारा फिर मैं फिटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह फिर फिटिंग करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक सबको नमस्कार।